हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। ग्रामीण आंचल की बेटियां कर रही देश का नाम रोशन, पदम दहिया। मॉस्को में विश्व प्रतियोगिता 2023 में दीपिका दहिया गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव रोहना पहुंची। बेटी के सम्मान समारोह में पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पदम दहिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए दीपिका दहिया व उसके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हमारे ग्रामीण आंचल में रहने वाली बेटियां अपने मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में अपने परिजनों व देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे जिसने अपनी मेहनत के बल पर अपने माता पिता व प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। दीपिका ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि लक्ष्य को किस प्रकार से साधा जाता है। उन्होंने कहा कि दीपिका जैसी बेटी गाँव में रहने वाली दूसरी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रही है, जिससे हमारी अन्य बेटियां भी प्रेरित होकर अपने देश का नाम रोशन कर सके। रोहना गांव में दीपिका दहिया के मॉस्को रूस में विश्व में गोल्ड मेडल लाने पर ग्रामीणों ने उनका सम्मान समारोह किया, जिसमें रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 85 यूनिट रक्तदान किया गया। साथ में मीठे पानी की छबीले भी लगाई गई। इस अवसर पर विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, पूर्व पार्षद सुनील पीपली, विजय प्रधान पीपली, राजेश बिदलान, आनंद निकलोई, प्रवेश खांडा, राकेश सिसाना, आशीष बरोना, विकेश दहिया रोहना, अमित नीटू, देशपाल, दीपक, मुकेश, दिनेश दिल्ली पुलिस, सवदेश जोगेंद्र, पूर्व चेयरमैन बलवान बल्ले, जितेंद्र टीलू मास्टर आदि मौजूद रहे। जजपा जिला अध्यक्ष ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग, 11 को दुष्यंत की होगी रैली। रोहतक मार्ग पर स्थित भरत सिंह वाटिका में जजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग जजपा जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया के नेतृत्व में हुई, जिसमें हरियाणा सरकार के चेयरमैन पवन खरगोदा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 11 जून को प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खरगोदा अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वह समाज सुधारक स्वर्गीय चौधरी भरत सिंह की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित 150 पेज की पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। यह पुस्तक सिलाना के राजन द्वारा लिखी गई है। चेयरमैन पवन खरखोदा ने कहा कि 11 जून को होने वाली रैली सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम विकास के कार्यों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 30 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए हैं। खरखोदा के हिस्से में पैसे कहां गए, हल्कावासी विधायक से पूछे। इस मौके पर देवेंद्र दहिया पार्षद, आजाद भोरिया, मोहन दहिया, रोहतास दहिया सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे हल्के के सभी कार्यकर्ताओं का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि कल हमने रैली के लिए लोगों से आह्वान किया था और इतनी तादाद में लोग आए हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसे मीटिंग में भाग लिया है, और मैं उन सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। रैली का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक तो हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं राज सिंह भैया जी, वो पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने खरखोदा हल्के के लोगों की मीटिंग ली है, और दूसरा मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है 11 जून की, तो उसको हम कैसे धूमधाम से मनाएं और कैसे हम अपने पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम नए लोगों को पार्टी में शामिल कर सकते हैं, अपनी पार्टी का विस्तार कैसे कर सकते हैं और नए पदाधिकारियों को हम कैसे जोड़ें, उस उद्देश्य को लेकर ये मीटिंग थी। और 11 जून को हमने मेरे दादाजी की पुण्यतिथि पर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया है, और मेरे दादाजी के जीवन पर आधारित हमारे सिलाना गांव से राजकुमार दहिया और राजल ने 150 पेज की एक पुस्तक लिखी है, उसका भी विमोचन डिप्टी सीएम साहब के हाथों से होने जा रहा है, और उस रैली में मुख्य रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारी सरकार में हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, हमारे दोनों मंत्री देवेंद्र बबली जी और अनूप जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, और काफ़ी हमारे प्रदेश के भी हमारे काफ़ी पदाधिकारी इस रैली में शिरकत करेंगे, और इस रैली को हम बड़ा भव्य आयोजन का रूप देने जा रहे हैं कि ताकि लोगों में ये विपक्ष वालों को भी ये पता चले कि जननायक जनता पार्टी कहीं भी ग्राउंड पे कमज़ोर नहीं है, केवल विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना। मेरा नाम राज सिंह भैया है और जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये रैली जो है ये खरखोदा की तरफ से बुलाई गई है। खरखोदा के तकरीबन 54-55 गाँव में पंचायत ज़्यादा है, एक गांव में दो पंचायत भी हैं, यहाँ तीन भी हैं, तो वो रैली जो होगी वो अनाज मंडी के अंदर होगी और उसको पूरी तरह से भरने का काम करेंगे हमारे साथी जो हैं कार्यकर्ता। दूसरी बात ये है कि आप पत्रकार साथी हो, पहले भी मीटिंग होती रही हल्के की, क्या आपने कभी इतने आदमी देखे हैं, देखे कभी इतने आदमी,
तो ये लोगों में उत्साह है, रैली के प्रति पूरा उत्साह है। और हमारी पॉलिसीज जो हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, खासकर दुष्यंत चौटाला जो हैं, वो युवा लीडर हैं, उनके जो काम करने का ढंग है वो लोगों को बहुत पसंद है। और आशा रखता हूँ कि बहुत लोग इस रैली के अंदर आएंगे, ये अपार भीड़ होगी, यहाँ अब तक की रिकॉर्ड रैली होगी। उसका 1% भी कोई असर नहीं है विधायक का। लोगों के गांव के लोगों को सबको पता है कि पदम को इस पार्टी ने सब कुछ दिया है। 1996 में इसको टिकट दी, 2000 में इसको टिकट दी, 2005 में इसको टिकट दी, 2014 में इसको एमपी का इलेक्शन लड़वा, 2009 में जब हल्का रिजल्ट हो गया तो उसके कहने से राजू जी धाना को टिकट दी, फिर 2014 में इसके कहने से टिकट दी और 13 साल पार्टी का प्रधान रहा, जिले का प्रधान रहा। और आज वो पार्टी को अलविदा कह गया सिर्फ इनके ऊपर इल्जाम लगा करके, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। इतना मान और सम्मान अजय सिंह जी, डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा में किसी को नहीं दिया, जो जितना सम्मान इसको दिया था, और ये धोखा दे गया। ये हमें बहुत महसूस, खासकर मुझे आज की तारीख में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफर पदम सिंह के यहाँ रहने से मैं रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सफर मैं रहा हूँ। अपील सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अपील कर दी, गांव-गांव में जाएंगे हम, गांव-गांव में लोगों को अपील करेंगे कि भी वो अपने साधन संपन्न, आजकल गांव पूरी तरह से हो चुके हैं, तो अपने साधनों से रैली के अंदर आए, उनको न्यौता देंगे रैली के अंदर आने का। यहाँ खान पान का प्रबंध होगा, यहाँ सबके लिए हर एक चीज़ का प्रबंध होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, पूरी तरह से व्यवस्थित पूरी सुचारू रैली होगी। चोलका गांव में लगाया भंडारा। रविवार को चोलका गांव में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 से 3000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का शुभारंभ हवन व अपने पूर्वजों को याद करके किया गया, जिसके मुख्य सहयोगी कर्नल टेकचंद दहिया व उनके छोटे भाई चांद सिंह, मेंबर पंचायत समिति ने भंडारे की समाप्ति पर जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। समस्त स्वामी परिवार का सहयोग रहा, जिसमें ब्लॉक समिति चेयरमैन सत्येंद्र उर्फ सत्ते, मीना नरवाल, प्रीतम खोखर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। फिरोजपुर बांगर स्थित एक फैक्ट्री में मशीन पर काम करते हुए एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर लगभग 25 वर्ष से फैक्ट्री में काम कर रहा था। मृतक के पुत्र स्वरूप नगर दिल्ली निवासी दीपक सिंह रावत ने बताया कि उनका पिता भगत सिंह रावत फिरोजपुर स्थित चोपड़ा चैम स्टब फैक्ट्री में लगभग 25 वर्ष से कार्य कर रहा था। उन्हें सूचना मिली कि मशीन पर काम करते हुए उनके पिता की मौत हो गई है। जब वे अपनी माता के साथ वो यहाँ पहुँचा तो उसके पिता को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत ले जाया गया था। दीपक ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक व अन्य कर्मचारी उसके पिता को मशीन पर काम करने के लिए दबाव बनाता था। फैक्ट्री मालिक द्वारा उन्हें कोई सेफ्टी किट भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिस कारण से उनके पिता की मशीन में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नारेबाजी कर जींद के लिए रवाना हुए कर्मचारी। रविवार को खरखोदा से कर्मचारियों का एक जत्था जींद रैली के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले रोहतक मार्ग पर स्थित NCR वाटर चैनल नहर पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जो हरियाणा कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार व मनीष मलिक के नेतृत्व में यह जत्था रवाना हुआ। इस मौके पर अनिल, सुरेश, राजेश, सुरेंद्र भी उपस्थित रहे। नहर पर एकत्रित होकर कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी पर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार सिस्टम को समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है उन्हें वेतन दिया जाए, कर्मचारियों की लंबित मांगों का निपटारा किया जाए। यहां से कर्मचारी कई गाड़ियों में जींद के लिए रवाना हुए। आज हरियाणा सरकार के खिलाफ पूरा हरियाणा कर्मचारी जींद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है, क्योंकि की सरकारों ने आज तक रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसियाँ थी वो बहाल करी थी, लेकिन इस खट्टर सरकार ने 9 साल के दौरान आज तक कोई भी पॉलिसी बहाल नहीं करी है, जो कि 2009 के अंदर और 14 के अंदर जो पॉलिसियाँ थी वो कच्चे कर्मचारियों के पक्का करने के लिए होल्ड पर रख दी। उसके बाद कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, जो कि हमारी एक पुरानी पेंशन बहाल, पुरानी पेंशन के ऊपर हरियाणा सरकार ने ये कह दिया ये तो पाप है, अगर जा लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जो हमारे जिनको हम चुनते हैं, हमारी बोर्ड से जो विधानसभा के अंदर जो MLA जाता है और लोकसभा के अंदर जो जाता है उसको दो पुरानी पेंशन, और एक कर्मचारी जो 30 साल की सर्विस के बाद अगर जा रिटायरमेंट होता है तो उसको ओनली 1200-1400 रुपये आज के दिन पेंशन मिलती है। तो ये हमारे साथ जो कर्मचारियों के साथ पूरा है हरियाणा सरकार और देश की और प्रदेश की सरकार जो अन्याय कर रही है, इसके
लड़ाई को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज चेतावनी रैली जो जींद के उड्डा ग्राउंड में रखी है, इस सरकार को जब तक 2024 का जो चुनाव आओगा पूरे प्रदेश का कर्मचारी इसी तरह आंदोलन में रहेगा जब तक हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों पक्का नहीं कर देगी। और कौशल रोजगार को हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार जो बनाया था, आज भी हमारे जो साथी कौशल रोजगार के अंदर इनकी सैलरी नहीं आई, जो कि एक महीना हो गया। मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था भाई 1 तारीख से 7 तारीख तक हर एक कर्मचारी को सैलरी दी जाएगी, लेकिन आज 28 तारीख के बाद भी हरियाणा के जो कुशल रोजगार में जो कर्मचारी आता उसको सैलरी नहीं मिली है। कितनी शर्म की बात, आज 28 तारीख होली। और इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक आंदोलन का निर्णय लिया है भाई, जब तक सरकार ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करेगी और कौशल रोजगार को भंग नहीं करेगी और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेगी, इतना सर्व कर्मचारी संघ आंदोलन में। अब जैसे मैं पूरे प्रदेश का जो हरियाणा गवर्नमेंट PWD का उपकोषाध्यक्ष हूँ राजेश धनखड़, जो हमारा मनीत मलिक, जो हमारी GWS और NCR की जो हमारे ब्रांच है, लगभग 87 कर्मचारी हैं, आज हमारा एक एक नए का कर्मचारी इस रैली के अंदर भाग लेगा। मनीत मलिक के देखता मैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरियोडिस एनल फिजर, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, ऑल टाइप्स ऑफ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर सौरव पनगोरिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। कन्या महाविद्यालय खरखोदा, एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, मास्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, स्किल्ड ओरिएंटेड 1 year डिप्लोमा कोर्सेज अंडर NSQF UGC अप्रूव्ड, ड्रेस डिजाइनिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9812600660। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।